हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वेलकम टू स्कालर्क इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन प्रोग्राम. यस, वी हैव स्टार्टेड विद द लेसन 3 एंड इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट दैट यू कैन परफॉर्म. व्हाट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट? डिविजिबिलिटी मीन्स व्हाट? So divisibility means the number should be exactly divisible by the other number, यानि उसका remainder जो है वो zero होना चाहिए, तो ही हम वो number कहलाएगा कि that number is correct, exactly divisible. Exactly divisible means इसका उसका जो remainder है वो divide करने के बाद zero आता है. Okay? तो अगर बहुत सारे बड़े number हो तो वो पूरा divide करके देखना, इसके बजाय यहाँ पे हमें अलग अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट दिए गए हैं जो हम इस सेशन में पढ़ेंगे. कि टू से डिवाइड, अगर फाइव डिजिट नंबर है, सिक्स डिजिट नंबर है, सेवन डिजिट नंबर है, तो वो डिविजिबल टू से होता है या नहीं, थ्री से होता है या नहीं, फोर से होता है कि नहीं, तो ये सब जो है वो इतना ईजी है समझने के लिए. तो ये हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट. ओके, कैन यू सी दिस पेज दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ टू? ओके, सो लेट्स सी द डिविजिबिलिटी ऑफ टू. अ नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय टू इफ दैट नंबर हैज एनी ऑफ द डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इन इट्स वंस प्लेस और यूनिट प्लेस. यानी जो भी फाइव डिजिट का नंबर हो, सिक्स डिजिट का हो, उसके यूनिट प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कौन सा भी नंबर हो, तो दैट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू. हमें उसकी डिविजन करने की भी ज़रूरत नहीं, वो दो से डिविजिबल है. ये कहाँ पे हमें यूज़फुल होगा? फैक्टर्स हम जब देखते हैं, तो फैक्टर्स हमें बड़ा नंबर हो तो उतना तो टेबल हमें नहीं आता है, तो इसके वजह से टू से वो नंबर डिविजिबल है क्या नहीं, ये अगर हमें पता होना चाहिए तो इसके लिए ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है. तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. द फर्स्ट एग्जांपल इज 2468. यहाँ पे यूनिट प्लेस सिर्फ हमें देखनी है, दैट इज 8. दैट इज़ अ इवन नंबर. यहाँ पे सिर्फ देखना है कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है. इफ़ इट इज़ इवन नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय टू. ओके, तो ये पूरा नंबर देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है. ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट टू, फॉर टू. देन दिस नंबर इफ यू से दैट इज 10,59,642, जस्ट यू हैव टू सी द यूनिट प्लेस नंबर, दैट इज टू. तो यहाँ पे टू जो है इट इज़ एन इवन नंबर, यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से ये नंबर है. देन दैट नंबर, द होल नंबर 10,59,642 इज सेट टू बी डिविजिबल बाय टू. नेक्स्ट नंबर जो है वो मैंने टू ही डिजिट का लिया है, दैट इज 7,070. ओके, तो 7,070 का जो यूनिट प्लेस है वो है 0. सो इट इज ऑल्सो यूनिट प्लेस इज 0, विच इज एन इवन नंबर. सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. द 70 नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ओके, नाउ वी विल गो टू डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3. ओके, ओके, यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट 3 दिया है, जहाँ पे लिखा है अ नंबर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट. सम यानी एडिशन, जो नंबर जो है फाइव डिजिट हो, सिक्स डिजिट हो, उसके डिजिट्स के पूरी एडिशन हमने अगर की, एंड दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वो 3 के टेबल में आता है. मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के टेबल में अगर वो एडिशन आती है, देन दैट नंबर, टोटल नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3. फॉर एग्जाम्पल 7,889. सो देर आर 3 डिजिट, 7, 8 एंड 9. वी आर गोइंग टू एड, सम यानी एड करना है. 7 प्लस, यहाँ पे मैंने एडिशन लिखाई है, 7 प्लस 8 प्लस 9, तो इसकी एडिशन क्या हुई? 24. सो दिस 24 वो टेबल में आता है क्या? यस, 3 8 जै 24. सो दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. 3 के टेबल में आता है कि नहीं देखना है. देन दैट होल नंबर 789 इज डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट नंबर इज 421. तो हमें क्या करना है? ये 3 डिजिट है, 4, 2 एंड 1, ये तीनों डिजिट की एडिशन करनी है. दैट इज 4 प्लस 2 प्लस 1,
तो इसकी एडिशन हो गई 7। ये 7 जो नंबर है वो 3 के डबल में आता है क्या? नहीं आता है। सो इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। सो द टोटल नंबर 421 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय दिस? नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट बाय 4। 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है कि जो भी नंबर 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, उसके लास्ट 2 डिजिट हमें देखने हैं, दैट इज यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, दोनों को मिला के देखना है। यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस दोनों को मिला के देखा तो अगर वो दोनों नंबर मिला के 4 के टेबल में आते हैं कि नहीं देखना है। ओके, सो आई हैव रिटन दैट ओनली। अ नंबर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट, यानी जो नंबर फॉर्म होता है लास्ट के 2 डिजिट से, दैट इज हंड्रेड्स प्लेस एंड यूनिट प्लेस मिला के जो नंबर फॉर्म होता है, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है इज 6,04,316, तो उसमें हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, दैट इज 16। ओके, वंस प्लेस पे 6 है और टेंस प्लेस पे 1 है, तो ये दोनों मिला के नंबर हो गया 16। तो 16 जो नंबर है वो 4 के टेबल में आता है क्या? यस, 4 के टेबल में आता है। 4 4 16, दैट मीन्स दिस होल नंबर 6,04,316 इज डिविजिबल बाय 4। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट नंबर इज 4,42,508। इसमें भी हमें लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, यूनिट प्लेस पे 8 है और टेंस प्लेस पे 0 है, तो टोटल नंबर हो गया 8। तो 8 जो नंबर है वो 4 के टेबल में आता है क्या? 4 2 8, यस, सो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो ये टोटल नंबर जो है वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता ही है, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो 42,508 इज़ डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट नंबर जो मैंने लिया है 512। 512 में लास्ट 2 डिजिट्स कौन से हैं? 1 2 12। तो 1 2 12 4 के टेबल में आता है क्या? यस, 4 3 12, दैट इज़ वाई 412 इज़ डिविजिबल बाय 4। ओके, तो ऐसे आपको चेक करना है लास्ट 2 डिजिट्स, अगर वो 4 के टेबल में आते हैं देन ओनली दैट होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट वी विल शिफ्ट टू डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कैसे चेक करेंगे? उसकी यूनिट प्लेस, यूनिट और वंस प्लेस, दैट इज सेम, यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस पे 0 या 5 आया देन दैट टोटल 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 7 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 या 5 आता है देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सी हियर, अ नंबर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय 5 इफ अ नंबर हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स यूनिट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल एज 7,13,250। उसमें हमें पूरे नंबर में सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है, तो यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है? 0 है, दैट मीन्स दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर यहाँ पे 1 होता, 2 होता, 3 होता तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर आई हैव टेकन एज 115, जिसका यूनिट प्लेस है 5। तो 5 अगर यूनिट प्लेस है देन दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज 115 इज डिविजिबल बाय 5। सो दिस इज अ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। यहाँ पे हमने 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर लो, उसका जो डिविजिबिलिटी है वो कैसे चेक करना है? वो जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों के टेबल में आना चाहिए, यानी हमें किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है? 2 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 3 की भी। अगर ये दोनों डिविजिबिलिटी चेक हुए और वो 3 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है देन ओनली दैट फुल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। सी, अ नंबर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय 6 इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। दोनों, आइदर 2 और 3 नहीं बोला मैंने, 2 एंड 3 बोथ दोनों के टेबल में आना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 7,221। तो पहले हम डिविजिबिलिटी किसकी चेक करेंगे? 3 की या 2 की लो। 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 1 है,
यानी ये डिविजिबल बाय टू नहीं है, ओके, यानी टू के टेबल में नहीं आता है। और अगर हमने थ्री के लिए चेक किया तो थ्री की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इसके जो भी डिजिट्स है उसकी एडिशन करनी है। सो 7 + 2 + 2 + 1 इज आंसर इज 12। तो वो 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, यानी 7221 इज डिविजिबल बाय 3, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। दैट्स व्हाई दैट 7221 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 2 और 3 दोनों के टेबल में आता है तो ही वो डिविजिबल है। जैसे कि मैंने अगला एग्जाम्पल लिया है 612। तो 612 का पहले हम यूनिट प्लस देखेंगे। यूनिट प्लस पे नंबर है 2, जो कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में 2 के क्या बोला है, 0, 2, 4, 6, 8 में से कौन सा भी नंबर आना चाहिए। तो 2 नंबर आया है उसके यूनिट प्लस में, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अभी 3 की करनी है हमें, तो 3 के लिए क्या करना है, हमें ऐड करना है हर एक डिजिट, 6 + 1 + 2, इसका आंसर आया 9, जो कि 3 के टेबल में आता है। इसीलिए ये दोनों की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक हो गई, यानी 2 की डिविजिबिलिटी भी चेक हो गई और 3 की भी। तो देन ओनली दिस 612 इज डिविजिबल बाय 6। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 8। अभी डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या बोलता है, हमने 4 का देखा कि उसके लास्ट 2 डिजिट यानी 10th प्लेस और 1th प्लेस वो दोनों भी 4 के टेबल में आने चाहिए। वैसे 8 की डिविजिबिलिटी में क्या होना चाहिए, उसके 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट देखने हैं, यानी 100th प्लेस, 10th प्लेस एंड यूनिट्स प्लेस, वो तीनों जो नंबर है वो तीनों मिला के 8 के टेबल में आने चाहिए। अ नंबर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर इज द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट्स, दैट इज 100th प्लेस, 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, 73512। तो हमें कौन से लेने हैं, ओनली 3 डिजिट्स, लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं, 100th प्लेस, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस। सो 512 को हम डिवाइड करके देखेंगे बाजू में कि वो 8 से डिवाइड है कि नहीं। अगर ये 8 से डिविजिबल है देन ओनली दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके देखा है, आप भी करके देखो, उसका रिमाइंडर 0 आता है, यानी ये 512 इज डिविजिबल बाय 8। सो 73512 इज डिविजिबल बाय 8। ओके, नेक्स्ट वी विल चेक डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। जैसे कि हमने 3 पे देखा कि पूरे जो डिजिट्स है उस नंबर के वो अगर हमने ऐड किए तो, और वो एडिशन जो है उसकी जो सम है वो 3 के टेबल में आती है कि नहीं देखने, वैसे सेम 9 का भी है। अ नंबर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी 9 के टेबल में वो सम जो है वो आती है कि नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल 758, तो हमें क्या करना है, ये तीनों डिजिट की एडिशन करनी है, 7 + 5 + 8, उसका आंसर आया 20। तो ये जो 20 है वो 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। देन दिस 758 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है 5283, उसकी डिजिट की एडिशन हमने की है, 5 + 2 + 8 + 3, उसकी एडिशन हो गई 18। तो 18 जो नंबर है वो 9 के टेबल में आता है क्या, यस, 9 × 2 = 18। सो दैट्स व्हाई दिस होल नंबर 5283 इज डिविजिबल बाय 9। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, द लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट इज बाय 10। उसकी भी इजी है, जैसे 5 का हमने देखा कि यूनिट प्लेस में अगर 5 या 0 हो तो 5 से वो नंबर डिविजिबल होता है, वैसे 10 के लिए सिर्फ यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए। बड़ा कितना भी नंबर हो अगर उसके यूनिट प्लेस में अगर 0 नंबर है देन ओनली वो 10 से डिविजिबल है। ओके, अ नंबर इज सेट टू बी डिविजिबल बाय 10 इफ अ नंबर 0 कम्स इन इट्स यूनिट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है 21340, उसका यूनिट प्लेस देखो 0 है, देन दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है 6250, उसका भी यूनिट प्लेस क्या है, 0,
देन दिस 6,250 इज डिविजिबल बाय 10. अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कौन सा भी नंबर आया तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सो टूडेज वी कंप्लीटेड द डिविजिबिलिटी टेस्ट. आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स टू चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट दैट यू हैव टू सॉल्व एज अ होमवर्क. सो टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय.